हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम रेड वेलवेट आइसक्रीम का रेसिपी दिखाने वाले हैं। अब तो बहुत रेड वेलवेट केक खाए होंगे, लेकिन ये रेड वेलवेट आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करना, और ये बहुत ही इजी है बनाना। तो चलो देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने एक बोल में क्रीम चीज़ ले लिया है 1/4 कप। ये आपको इजीली बिग बाज़ार या रॉ मटेरियल शॉप पे आराम से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क, जो मैंने 1/4 कप लिया है। अगर आप चाहे तो आप पाउडर शुगर भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंडेंस मिल्क से स्वाद और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। और इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि एकदम क्रीमी हो जाए और इसमें कुछ भी लम्स ना रहे। और नेक्स्ट मैं व्हीपिंग क्रीम लिया है, एकदम लिक्विड ही चाहिए, क्रिस्टलाइज्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपका जो आइसक्रीम है वो अच्छे से नहीं जमेगा। और क्रीम को मैं अच्छे से बीट करूँगी, ज़्यादा स्टिफ पिक्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सॉफ्ट पिक्स आ जाए बस उतना ही बीट करना है। तो आप देख सकते हो हमारा जो क्रीम है वो दुगनी हो चुकी है और सॉफ्ट पीक्स भी आ गया है। तो और ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस 1-2 मिनट ही और बीट करूँगी। तो हमारा जो क्रीम है वो अच्छे से सॉफ्ट पिक्स आ चुका है। तो नेक्स्ट मैं इसमें वैनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ। ये वैनिला एसेंस नंदी का है और मैं 1 टीस्पून ही इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और वैनिला एसेंस को मैं एक स्पैचुला के मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ऐसा ही कंसिस्टेंसी आपको रखना है आइसक्रीम बनाने के लिए, तभी जो आपका आइसक्रीम है वो अच्छे से जमेगा। तो आज मैं रेड वेलवेट आइसक्रीम बना रही हूँ, तो रेड कलर तो होना ही चाहिए ना। तो मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें थोड़ा व्हिपिंग क्रीम मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और आज मैं 2 कलर मिक्स करके बनाऊँगी, एक वाइट और एक रेड, ठीक है। तो मैं कुछ साइड पे रख दिया हूँ वाइट कलर का व्हिपिंग क्रीम, और इसमें मैं थोड़ा फूड कलर मतलब रेड लिक्विड फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप वाटर कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट मैं इसमें थोड़ा चॉकलेट सिरप ऐड कर रही हूँ, इससे जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। यार ये आइसक्रीम इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना। अगर आप ये रेसिपी घर पर ट्राई करते हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। तो यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप यूज़ किया है। अगर आपको और भी ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है, मतलब चॉकलेट पसंद है, तो आप थोड़ा और चॉकलेट सिरप डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। और इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके वाइट आइसक्रीम का बैटर और थोड़ा रेड बैटर मैं डाल दूँगी, ताकि जब हम आइसक्रीम को स्कूप करके निकालें ना तो दोनों ही कलर अच्छे से आए और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो रेड कलर आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन रेड वेलवेट जो आइसक्रीम है ना तो रेड कलर मस्ट होता है। तो अगर आप चाहे तो वाइट कलर ना भी रखो तो भी चलेगा, पूरा का पूरा आप रेड कलर भी रख सकते हो। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर थोड़ा टैप कर लूँगी ताकि आइसक्रीम जो है वो एकदम इक्वल हो जाए। और इस आइसक्रीम को मैंने ओवरनाइट सेट करने के लिए रख दिया था, और एक टूथपिक की मदद से मैं एक अच्छे से डिज़ाइन बना दूंगी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ना भी कर सकते हो, लेकिन इससे लुक बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हाँ, ये आपको फ्रीज में नहीं फ्रीज़र में ही रखना है, तो तभी जो आपका आइसक्रीम है वो अच्छे से सेट होगा। तो ये वीडियो देखते देखते मेरे वीडियोस को एक लाइक ज़रूर कर देना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, अगर आपने नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो आप देख सकते हो आइसक्रीम का लुक कितना ज़्यादा प्यारा आया है, और आप देख सकते हो इनका जो टेक्सचर है वो कितना ज़्यादा क्रीमी बना है। तो अगर आप ये रेसिपी घर पर बना रहे हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, एकदम मत भूलना, ठीक है। और मैं आगे और भी यूनिक वीडियोस, मतलब यूनिक रेसिपीज़, केक्स डिज़ाइंस, केक्स फ्लेवर्स और भी बहुत सारा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, भूलना बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो मैं जो यूनिक डिज़ाइंस रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आपको आपके पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस गर्मी में ये आइसक्रीम ज़रूर एंजॉय करना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।